हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा उस मुद्दे को उठाया गया है। उस वीडियो में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से महामंडलेश्वर नरसिंहानंद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद पैगंबर के बारे में ये बात कही गई है कि रावण के बजाय मोहम्मद पैगंबर के पुतले जलाने चाहिए। यह वीडियो सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़वाकर हिंदू मुसलमान का विभाजन करवाना चाहते हैं। इसके पीछे एक मौलिक मकसद है, जब तक एससी एसटी ओबीसी कुर्मी मराठा हिंदू नहीं बनते तब तक वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, ब्राह्मण धर्म के समर्थक नहीं हो सकते, इसलिए उनको मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप भड़काना जरूरी है। और मोहम्मद साहब के बारे में मुस्लिम समाज की भावनाएं बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये ब्राह्मण लोग आरएसएस के लोग बखूबी जानते हैं और इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि मोहम्मद साहब के बारे में अगर उलझुल कुछ कहा जाए तो मुसलमान फसाद करने के लिए जरूर तैयार होगा, और अगर फसाद होगा तो हिंदू मुसलमान होगा, और हिंदू मुसलमान होगा तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, कुर्मी मराठा लोगों को हिंदू बनाया जा सकता है। एससी एसटी ओबीसी कुर्मी मराठा लोगों को प्रचार के द्वारा हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म मूलतः ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म होने की वजह से वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर थोपा जाना, ये मौलिक धर्म ही ब्राह्मण धर्म है और ये धर्म नहीं है, ये मूल निवासी बहुजन एससी एसटी ओबीसी कुर्मी मराठा लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है और इसलिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है। मुसलमानों के अंदर जो लोग इस तरह की बातों को प्रमोट करने का और इस तरह की बातों को वीडियो बनाकर मुसलमानों में फैलाने का काम करते हैं, उनका मकसद उनके सोशल मीडिया में व्यूअर्स बढ़ाना मकसद होता है, मगर इससे फसाद होगा, दंगा होगा और दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। उससे भी बड़ी बात कि एससी एसटी ओबीसी कुर्मी मराठा लोगों को प्रतिक्रिया स्वरूप ही हिंदू बनाया जा सकता है। ब्राह्मण लोग समझाकर ब्राह्मण धर्म का प्रचार या हिंदू के नाम पर प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकते, इस तरह का दंगा फसाद करवाकर ही हिंदू बनाया जा सकता है, ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को भी समझ में नहीं आती है। ये मुस्लिम समाज के दानिश्वरों को, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, मुस्लिम समाज के समझदार लोगों को
ये निश्चित रूप से समझना होगा कि इससे मुसलमानों का अगर फसाद होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ये खबरदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस तरह की बयानबाजी मोहम्मद साहब का नाम लेकर कर रहे हैं, उनके पीछे फसाद करवाना उद्देश्य है, और फसाद से ही एससी एसटी ओबीसी कुर्मी मराठा को हिंदू बनाया जा सकता है, प्रचार करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, ये उनका मकसद है। और इस मकसद में मुसलमानों को मददगार नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपील है। मुसलमानों को ये जो इस तरह के लोग हैं, बदमाश लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते हैं, उन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए, हम उनका बंदोबस्त करते हैं। मामला हिंदू मुसलमान का ना हो इसकी खबरदारी लेनी चाहिए, और मामला केवल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा होने से ये जो ब्राह्मण लोग है, ये 3.5% लोग है और ये अल्पसंख्यक लोग है, और जब हिंदू मुसलमान का मामला बनता है तो वो हिंदू के नाम पर अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन जाते हैं, और बहुसंख्यक बनने के बाद में देश की सत्ता पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है मुसलमानों को, और उनके समझदार लोगों को ये बात निश्चित रूप से समझना जरूरी है। मैं मुसलमानों के तमाम समझदार लोगों को इसके बारे में अपील करता हूं, और हिंदुस्तानी मीडिया चलाने वाले लोगों को भी अपील करता हूं कि इस तरह की बातों का परहेज करें, जिससे हिंदू मुसलमान का फसाद होने का खतरा हो। मैं आशा करता हूं कि इस बात को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा, और ये मामला हम सारे देश भर में टेकअप कर रहे हैं, सारे देश भर में हम देख रहे हैं ये मामला, इन लोगों के बंदोबस्त का मामला सारे देश भर में देखने का काम हम कर रहे हैं, और अब हम बंदोबस्त करने लायक हो गए हैं, इसीलिए ये लोग हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करवा रहे हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, ध्यान से सुनी, इस पर विचार करिए, और इस पर और भी कोई सलाह मशवरे की जरूरत है तो वो मेरे से जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।